गुड इवनिंग मनी गुरु विमेन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू गर्ग। हम बात करते हैं महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की, किस तरह से महिलाएं अपनी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकती हैं और किस तरह से पोर्टफोलियो के सही विकल्प चुन सकती हैं और साथ ही पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होना चाहिए, इस पर भी राय हम दिलवाएंगे। आज हमारे साथ है बलवंत जैन, CFO फ्रॉम अपनापैसा.com। बलवंत जी, वेलकम टू द शो। फिलहाल हम अपनी महिलाएं दर्शकों को बता दें वो किस तरह से हमारे इस शो में हिस्सा ले सकती हैं। आपके कोई भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवाल हैं, आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@cmedia.slgroup.com पर। साथ ही SMS का भी विकल्प है, शी हमारा कोड है। हमारा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए पहला सवाल शामिल करते हैं। तृप्ति ने ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। बलवान जी, इनका सवाल है LIC मनी प्लस पॉलिसी इन्होंने खरीदी हुई है। इनकी एज है 23 इयर्स और इनकी एनुअल इनकम है अराउंड 3.5 लाख। पॉलिसी के बारे में ये जानना चाहती हैं। साथ ही अभी तक इन्होंने ये पॉलिसी 2007 में खरीदी थी, अभी तक ये 40,000 इसमें भर चुकी है और इनफैक्ट एजेंट ने भी इनको बताया कि इनको रिटर्न जो है अब इनको काफी कम रिटर्न इनको मिलेगा, तो ये पॉलिसी के बारे में जानना चाहती हैं बलवंत जी। देखिए चारू, ऐसा है कि जो तृप्ति ने जो पॉलिसी खरीदी है मनी प्लस, ये यूलिप पॉलिसी है जिसमें क्या इन्वेस्टमेंट की रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर की रहती है। और नॉर्मली मतलब जैसे मेरा मानना है और हम लोग शो में कहते रहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस नीड्स है वो दोनों मिक्स नहीं करनी चाहिए। आप ये यूलिप में है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों प्रोडक्ट है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपको इंश्योरेंस के लिए प्योर टर्म प्लान खरीदना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड वगैरह में डालना चाहिए। जहां तक सवाल ये मनी प्लस प्रोडक्ट का है तो इसमें क्या है, जैसे जो पॉलिसी एलोकेशन चार्जेज और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज है वो ज्यादा रहते हैं और शुरू में जैसे पहले साल में 26.5% के आसपास है, तो जो पहले साल में आपका जो पैसा है उसमें 26.5% तो सीधा कट जाता है। ये जो प्रोडक्ट है वो अभी वैसे बंद हो गई है, परंतु जो इनका रिटर्न है वो जो बेंचमार्क है निफ्टी उसके आसपास ही है, परंतु चूंकि इस पे जो ऑनगोइंग चार्जेज है ईयरली चार्जेज है वो ज्यादा है। जैसे ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज हर साल का 3% है तीसरे साल के बाद में, तो इनका जो इफेक्टिव रिटर्न है वो निफ्टी से कम आएगा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो पॉलिसी है वो सरेंडर कर दे और वो पैसा है कोई भी अगर लॉन्ग टर्म का, बहुत लॉन्ग टर्म 10 साल से ज्यादा का व्यू है तो कोई भी मिड कैप फंड में डाल दे। जी बिल्कुल बलवंत जी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनका ये जो पॉलिसी है ये यूलिप है और यूलिप में जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों के ही इसमें ऑप्शंस मौजूद होते हैं और फिलहाल LIC मनी प्लस जो पॉलिसी है ये अभी बाजार में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी और साथ ही इनको ये एडवाइस भी दी गई है कि ये सरेंडर करके इस पॉलिसी से अभी निकल सकती है और दूसरे किसी मिड कैप फंड में ये निवेश कर सकती है। बलवंत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी लंबी अवधि की हम बात करते हैं, 10 साल से ज्यादा का इनका अगर ये नजर लेके चल रही है तो अभी फिलहाल हालांकि अब जैसे कि बजट शुरू होने वाला है तो बजट से पहले अभी क्या ये सही मौका है, इसमें मिड कैप फंड की आप बात कर रहे हैं या इक्विटी की मैं बात करूं तो उसमें ये निवेश कर सकती हैं? देखिए चारू, ऐसा है कि आप जो कह रही है कि वो मार्केट को टाइम करने का कह रही है कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, मेरे हिसाब से अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके जरिए आप इन्वेस्ट करिए। आप निश्चित कर लीजिए कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे और हर महीने एक सेम अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करते रहिए, जिससे आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। और नॉर्मली नोबडी कैन टाइम द मार्केट, अपने बस की चीज नहीं है, ये कलेक्टिव विजडम वाली बात है। तो हरेक टाइम जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है हरेक टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही समय, बशर्ते आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिलती रहती है तो एग्जैक्टली हम बलवंत जी ने भी बताया कि एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना चाहती है तो इक्विटी फंड का ये विकल्प चुन सकती है। अगला सवाल हम शामिल करते हैं, सुनीता हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर मौजूद है आसाम से। सुनीता स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी हम होम लोन के लिए पूछना चाहते हैं, हमको 30 लाख का लोन चाहिए। जी तो हमको मंथली कितना देना पड़ेगा और कितना साल तक कैसे देना पड़ेगा? सुनीता आप लोन किस लिए लेना चाहती हैं? आपने लिखा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप होम लोन लेना चाहती हैं। जी जी, साथ ही 30 लाख के लोन की बात कर रहे हैं आप। जी
चलिए राय दिलवा देते हैं आपको बलवंत जी, 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 30 लाख का फिलहाल ये लोन लेना चाहती हैं और 20 लाख जिस तरह से इन्होंने लिखा भी था कि ये डाउन पेमेंट करने की सोच रही हैं, तो 30 लाख के लोन के लिए कौन से बैंक को अप्रोच किया जा सकता है और साथ ही बैंक्स का क्या क्या फॉर्मूला होता है ईएमआई डिसाइड करने का? देखिए चारू, ऐसा है, सुनीता जी को 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रही है, उस पर 30 लाख का लोन चाहिए, तो जो बैंक है वो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो दो चीज के बेसिस पर डिसाइड करती है। पहली तो जो पहला क्राइटेरिया है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मली प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% तक फाइनेंस करती है और 20% आपको खुद को लगाना पड़ता है। इसमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज है वो आपका खुद का रहेगा। अगर आपकी लोन की अमाउंट है वो अगर 20 लाख से कम है तो बैंक आपको 90% तक फाइनेंस करेगी। दूसरा जो क्राइटेरिया है जो लेंड करने का बैंक का, वो है कि आपका जो इनकम है, नॉर्मली बैंक प्रिज्यूम करती है कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका 40-45% के आसपास आप लोन सर्विस कर सकती है, तो उसके बेसिस पे आपकी जो सालाना इनकम है उसका 4 से 4.5 गुने तक आपको लोन मिल पाएगा। अभी जैसे मेरे को लग रहा है इनकी 3 लाख की इनकम है सालाना, तो 12 लाख के आसपास उनको लोन मिल सकता है। और अगर इनको एलिजिबिलिटी बढ़ानी है तो जो अगर ये खुद भी अगर अर्निंग है तो हस्बैंड के साथ में जॉइंट एप्लीकेशन कर सकती है, तो अगर जो जब एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी तो आपकी जो दोनों की कंबाइंड इनकम है उसको पूल किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। तो जैसे 12 लाख का अगर आपको लोन मिलता है तो नॉर्मली 11.5-12 हजार रुपए की आपकी ईएमआई आएगी, और अगर आपको 30 लाख का लोन चाहिए तो ईएमआई भी करीब 29-29 हजार के आसपास आएगी। जी चलिए, फिलहाल जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि ईएमआई जो है वो बैंक तय करते हैं और साथ ही लोन लेने से पहले की क्या क्या फॉर्मेलिटी है वो आपको पूरी करनी होगी, और आय का इन्होंने बताया कि ईएमआई आपकी आय का जो है 40-45% एटलीस्ट अमाउंट होना चाहिए कि आप ईएमआई वो मंथली पे कर सके। फिलहाल इनको बता दिया गया है इनको करीबन 11 से 12 लाख का लोन मिल सकता है, तो उस पर लेने पर विचार कर सकती है। चलिए अपने महिलाओं दर्शकों के सवालों को हम और शामिल करेंगे, अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल, हमारे साथ है बलवंत जैन सीएफओ फ्रॉम अपना पैसा .com। हम अपनी महिलाओं दर्शकों के सवालों को शामिल कर रहे हैं और साथ ही महिलाओं को भी बता रहे हैं किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करके वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। एक और सवाल शामिल करते हैं ईमेल के जरिए ही, पूनम ने मुंबई से ये सवाल पूछा है। बलवंत जी इनका सवाल है, एज इनकी 30 इयर्स है और इनकी जो मंथली सैलरी है 30,000 है, ये जानना चाहती हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ऑप्शंस जानना चाहती हैं और साथ ही इन्होंने ये भी पूछा है कि फिक्स्ड इनकम के क्या विकल्प हो सकते हैं। पहले तो इनकी अच्छी बात यह है कि कम उम्र में ही ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अभी से सोच रही है, ये काफी अच्छी बात है इनकी। बलवंत जी क्या ऑप्शन आप सजेस्ट करेंगे इनके लिए? देखिए चारू, ऐसा है कि जैसे इनकी उम्र 30 साल की, और आपने सही बताया कि इतनी जल्दी उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग करने का डिसीजन लिया, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। पर आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो आप समझते हैं कोई भी प्रोडक्ट जिसके साथ में रिटायरमेंट या पेंशन लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले प्रश्न के जवाब में भी बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों की जरूरत है, अलग अलग करनी चाहिए। रिटायरमेंट में जो आपको पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के चाहिए, आपको इंश्योरेंस उसमें कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए न तो कोई पेंशन प्रोडक्ट खरीदे और न कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदे। आपको क्या करना है कि जैसे 30 साल की उम्र है, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आप 60 साल में रिटायरमेंट लेंगे तो आपके पास 30 साल का लंबा समय है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 90% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, 10% आप डेट में डाल दीजिए, पीपीएफ में डाल सकती है या और भी कोई दूसरा जो डेट प्रोडक्ट लगता हो, और जो ये 90% जो इन्वेस्ट करना है वो आप इक्विटी प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, मिड कैप भी आप ले सकती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। और जब आपका रिटायरमेंट आने को हो, आप रिटायरमेंट के 2-3 साल पहले से आप जो आपका इक्विटी वाला पैसा है उसमें से थोड़ा थोड़ा आप डेट में ट्रांसफर कर दीजिए। और आप जैसे फिक्स इनकम का कह रही है तो आप रिटायरमेंट होने के बाद में आप फिक्स डिपॉजिट में डाल सकती है, कंपनी की डिपॉजिट्स वगैरह में डाल सकती है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स वगैरह में डाल सकती है, आप सीनियर सिटीजन स्कीम में डाल सकती है, ऐसी स्कीम में डालिए जिसमें आपको फिक्स इनकम मिल जाएगी। और जहां तक अभी
इन्वेस्ट करना चाहिए तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू फोकस्ड है, यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर है और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। तो चारों में आप इक्वल पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए 90% जो करना है और 10% आप, मैं प्रिज्यूम करता हूं आप पीपीएफ का अकाउंट होगा तो आप पीपीएफ में डाल दीजिए, तो आप 30 साल में आपके पास में बहुत बढ़िया कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और उस कॉर्पोरेट से आप फिक्स रेट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद में आपको हर महीने फिक्स अमाउंट मिल जाएगी। जी बलवंत जी, बिल्कुल इनके पास काफी समय है, 30 साल है इनके रिटायरमेंट में, अभी ये काफी अच्छे से ये निवेश सोच सकती हैं और अपना बेहतर पोर्टफोलियो बना सकती हैं। साथ ही आपने इनको राय दे दी है कि कौन कौन से सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ में कर सकती हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड की आपने बात कही, टैक्स फ्री बॉन्ड्स की भी बात कही और फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के हमने विकल्प भी दिखा दिए हैं स्क्रीन पे, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इनमें इन्वेस्ट कर सकती है। बलवंत जी, ज्यादातर दर्शक ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर हमें रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है तो एनपीएस भी कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए चारू, ऐसा है कि एनपीएस में जो आप कंट्रीब्यूट करते हो ये बढ़िया टैक्स प्लानिंग का टूल हो सकता है, जैसे जो जिनकी बहुत अच्छी सैलरी है उसमें जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आपकी जो सैलरी है उसके 10% तक कितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उस पर ये जो 1 लाख की लिमिट है वो लागू नहीं होती, और एम्प्लॉय चाहे तो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो ATE का जो लिमिट है उसमें, ये ATCCD में मिलता है डिडक्शन, तो ओवरऑल 1 लाख रुपए तक ही होता है। और आजकल जैसे होम लोन वगैरह है, ये ट्यूशन फी है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वगैरह देखते हुए जो 1 लाख की जो लिमिट है उसमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता है, पर अगर आपका एम्प्लॉयर अगर मानता है तो आप एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूट करवा दीजिए 10% आपकी जो सैलरी है उसका, तो वो आपका ये जो 1 लाख है उसके ऊपर होगा, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो डेफर हो जाएगी, और जब आप 60 साल पर पहुंच जाएंगे उसके बाद आप उसमें से पैसा एन्यूटी खरीदनी पड़ेगी और 40% पैसा आप निकाल भी सकते हैं। तो चारू, अगर एम्प्लॉयर आपका मानता है तो आप एनपीएस आपके लिए बहुत बढ़िया टैक्स प्लानिंग टूल हो सकता है। जी, तो एनपीएस का भी विकल्प बता दिया गया है और साथ ही उसके अलावा बाकी और विकल्प भी बता दिए गए हैं कि किस तरह से बेहतर रिटायरमेंट के लिए अभी से ही कम उम्र में प्लानिंग कर सकती है। अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु वुमेन स्पेशल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल, हमारे साथ है बलवंत जैन, CFO फ्रॉम अपनापैसा.com। हम एक और सवाल शामिल करते हैं, नीलम ने SMS के जरिए सवाल पूछा है मद्रास से। बलवंत जी, इनका सवाल है, ये हाउसवाइफ हैं और इनको इंटरेस्ट इनकम मिलती है करीबन 1.5 लाख की एनुअल, साथ ही ये इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न पर राय पूछी है, ये फिलहाल टैक्स रिटर्न नहीं भरती हैं, तो क्या इनके लिए जरूरी है ये टैक्स रिटर्न भरें? देखिए चारू, ऐसा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रावधान है 139 सेक्शन है उसके हिसाब से अगर आपकी जो टोटल इनकम है, मतलब कुल मिला के इनकम जो जिसमें आपके ये ATC ATD के डिडक्शन वगैरह निकालने के पहले अगर वो इनकम आपकी टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, जैसे ये 2 लाख की लिमिट और सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख की है, अगर वो इनकम ज्यादा है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। और चूंकि नीलम जी का जो इनकम टैक्स जो इनकम है वो 1.5 लाख के आसपास है और मैं प्रेज्यूम करता हूं उनकी ये ग्रॉस इनकम है, तो इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई नुकसान नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ हो तो आपको जैसे पासपोर्ट वगैरह जाने, फॉरन वगैरह जानते हैं तभी आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत हैंडी रहेगा, इसके अलावा आपको कभी बैंकिंग चैनल से कुछ लोन वगैरह लेना है, क्रेडिट कार्ड वगैरह एप्लीकेशन वगैरह करनी है, तो अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ हो तो आपको उससे सहूलियत होगी, पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर 1.5 लाख की इनकम है तो आपकी जवाबदारी नहीं बनती है इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की। जी, तो कहीं ना कहीं अगर ये टैक्स भरती है तो ये काफी बेनिफिट उठा सकते हैं जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया, लेकिन अभी फिलहाल इनके लिए जरूरी नहीं है कि ये टैक्स रिटर्न भरें। बलवंत जी, ई फाइलिंग की भी हम बात करते हैं, कुछ उसका ऐसा भी प्रावधान है कि 5 लाख से अगर आपकी कम इनकम है उन लोगों को भरना जरूरी है या नहीं, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं।
देखिए चारू, ऐसा है कि जो लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, उसके हिसाब से जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है या जिनकी टैक्स ऑडिट वगैरह होती है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जिसको पॉपुलर लैंग्वेज में ई फाइलिंग बोलते हैं। इसके अलावा जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, वो भी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो पेपर रिटर्न ही फाइल करें, और वैसे इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करना बहुत कन्वीनियंट है। तो मैं तो व्यूअर्स को सजेशन दूंगा कि वो फिजिकल फाइल करने की तुलना में बजाय इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें। इससे क्या होता है, आपका जो रिफंड वगैरह है वो भी जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपका कोई रिफंड ड्यू है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल कीजिए, जिससे आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड भी आप जल्दी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जी बिल्कुल बलवंत जी, तो इनको सुझाव मिल चुका है, और फिलहाल अभी कोई जरूरी नहीं है कि ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। चलिए एक आखिरी सवाल भी शामिल कर लेते हैं बलवंत जी। ईपीएस पर सवाल पूछा है अर्चना ने, इनका सवाल है अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन पर भी बात हुई है, मिनिमम 1000 पेंशन प्लान की जो ईपीएफ स्कीम में आते हैं उस पर, ये जानना चाहती है कि एग्जैक्टली इनको किस तरह से ये बेनिफिट उठा सकती हैं इस प्लान में। देखिए चारू, ऐसा है कि जो ये एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम है, उसके तहत जो आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% होता है, एम्प्लॉय का 12% होता है, 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 8.33% है वो पेंशन स्कीम में जाता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट 1.16 कंट्रीब्यूट करती है। तो जो मिनिमम 1000 पेंशन की जो बात हुई है, जो प्रपोजल फरवरी में आया था, तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, जो डेफिसिट होगा 1200-1300 करोड़ का, वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। और ये जो इस पेंशन है इस स्कीम के तहत, आपको ये मिनिमम 10 साल का सर्विस होने के बाद में और 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद में मिलेगा। अगर 58 साल की उम्र पूरी होने के पहले ही डेथ वगैरह हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपको ये पेंशन इसके पहले भी मिल जाएगी। परंतु जो गवर्नमेंट पहले 1000 से कम भी पेंशन आती थी, परंतु अभी जैसे जो प्रपोजल गवर्नमेंट का फरवरी में जो पास हुआ, उसके हिसाब से कम आपको जो पेंशन है वो 1000 रुपया तो मिलेगी ही मिलेगी। जी, तो फिलहाल जो जो भी ईपीएस स्कीम में है उनके लिए फिलहाल मिनिमम 1000 मंथली पेंशन का ऐलान जो है वो फिलहाल अभी बजट में भी सरकार इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। और फिलहाल जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि 10 साल एटलीस्ट आपका सर्विस में होना चाहिए, आपका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए इस पेंशन आय का लाभ उठाने के लिए। फिलहाल महिलाओं के हम इतने ही सवाल लेंगे शो में। बलवंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। फिलहाल एक बार अपनी महिला दर्शकों को फिर से बता दें कि वो किस तरह से हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं। आप हमारे साथ ईमेल के जरिए जुड़ सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com। साथ ही एसएमएस पर भी जुड़ सकती हैं। शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। और एक बार जाते जाते बता दें, आप मंडे को देख सकते हैं हमारा मनी गुरु टैक्स स्पेशल। जी हां, नई सरकार का पहला बजट, 80C का बढ़ेगा दायरा या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत। बजट से पहले कैसे करें प्लानिंग, देखिए हमारी खास पेशकश मनी गुरु टैक्स स्पेशल सोमवार शाम 6:30 बजे। फिलहाल इस शो में इतना ही, नमस्कार।